आई हैव नो क्लू कि चैलेंज अलग कैसे होने वाला है, क्योंकि नॉर्मल डे पे भी मैं किचन में ही पड़े रहती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा टाइम भूखी लगती रहती है. हाय, वेलकम टू आई लिव इन द किचन फॉर 24 आवर्स चैलेंज. एंड अभी मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है जो भी मुझे चाहिए रहेगा 24 घंटे के लिए. तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है एंड बेसिकली जो भी मुझे चाहिए रहेगा. तो आई हैव माय मेमोरी कार्ड्स, मेरा रेगुलर वाला नोटबुक, ट्राइपॉड के स्टैंड का अटैचमेंट, कैमरा का एक्स्ट्रा बैटरी, लैपटॉप का बैटरी, फोन का चार्जर भी पड़ा है, फोन, फिर दिस इज ऑल नहाने धोने का सामान. आई हैव डिसाइडेड टू गिव माय सेल्फ अ स्पा, दो टॉवल, शॉर्ट्स रखी है बिकॉज मैं अभी कपड़े निकाल तो नहीं सकती भाई किचन में, तो शॉर्ट्स के बेसिस पे इधर से नीचे जितना नहा सकती हूँ नहाऊंगी. कॉम एंड हेयर ड्रायर और सब रखे रखा है, हेयर मास्क, बॉडी स्क्रब, फेस मास्क सब रखा है यहाँ पे, एंड लैपटॉप. बाल भी धोने वाली हूँ मैं इधर ये सिंक में. आई हैव टू वॉश माई हेयर ये सिंक के अंदर, इट इज़ सो डर्टी राइट नाउ, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. पता है ये एक्चुअली एक चैलेंज जैसा फील हो रहा है मेरे को. मेरे को फ्राइज खाना है. आई एम गोना ट्राई टू मेक एयर फ्रायर में फ्राइज. हमने अभी तक ट्राई नहीं किया, इतने टाइम से एयर फ्रायर लिया, फ्राइज नहीं बनाए, तो लेट्स ट्राई. ये फील क्यों करना है आपको? बिना धोए दे दिया, देखो मिट्टी वाली फ्राइज खा लेती हूँ. अभी इसको काटते कैसे, इसमें से जूस निकल रहा है. अभी हम इसको ये मशीन में डालेंगे, देखते हैं कि क्रिस्पी विस्पी होता है कि नहीं. एंड आई डिसाइडेड कि मैं खिचड़ी भी खा ही लूंगी. तो आज हम खाएंगे फ्राइज के साथ खिचड़ी. एंड सॉरी बहुत आवाज आने वाला है वॉशिंग मशीन के, मैं एकदम बाजू में बैठी हूँ तो वो आवाज आने वाला है. बट आई एम सो हंग्री कि आई कांट वेट फ्राइज रेडी होने तक. तब तक ये नाश्ता खा रही हूँ. ये नमकीन वाले बिस्किट्स हैं, जीरा बिस्किट, एंड ये मीठे वाले. लंच इज सर्व्ड. फ्राई नहीं करने के हिसाब से एंड बॉयल भी नहीं करने के हिसाब से देयर एक्चुअली वेरी नाइस. इंस्टेंट 10-15 मिनट में फ्रेश पोटैटो की फ्राइज. आई गेट दिस रेसिपी अ थम्स अप. लैपटॉप में बैटरी ही नहीं है, वाओ. थैंकफुली मेरे यहाँ के बाजू में एक प्लग पॉइंट है. टिंग टिंग टिंग. दीज आर सम ऑफ द फ्यू थिंग्स that we have shortlisted. Blouse, sari, puri. Basically we're doing a challenge जहाँ पे 5 festivals का outfit हमें लेना है. तो ये order करके फिर we will do the spa. लता ताई, आप guess कीजिए आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम मतलब मैं किचन में 24 घंटे बिताऊंगी. खाना नहीं बनाना है मेरे को, सिर्फ रहना है. क्या आपको लगता है हम सफल हो सकते हैं? ओके, सो नाउ कम्स द पार्ट जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड नर्वस भी हूँ कि ये एक चीज़ के लिए मैं टेंशन में थी, मैं कैसे करूँगी किचन में, विच इज लाइक अ होल बाथ सिचुएशन. और मैं पहले चड्डा पहन के आती हूँ सो दैट आई कैन मैक्सिमाइज द बॉडी एरिया जो मैं क्लीन कर सकती हूँ. तो मैं यू गई और यू आई. तो आई एम सो सो हैप्पी टू पार्टनर अप विद एम कैफीन टुडे. आई एम गोना स्टार्ट विद एम कैफीन नेकेड एंड रॉ कॉफी फेस मास्क. तो ये है मेरा एग्जिस्टिंग बॉटल जो आई थिंक ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, इज बेयरली एनी लेफ्ट. मैंने एक्चुअली रिप्लेसमेंट है ऑलरेडी विच आई वॉन्ट टू शो यू एंड दिस इज हाउ क्रीमी एंड मोसी इट इज. सो दिस मास्क इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड फॉर टेकिंग आउट ऑल इम्प्योरिटीज एंड एनी काइंड ऑफ टैनिंग बिकॉज इट जस्ट लाइक स्टिक्स टू ऑल द कचरा सो प्रॉपरली दैट वंस यू वॉश इट ऑफ यू विल सी the actual crazy results. So while the mask takes its time to do its magic, I keep it for 10-15 minutes approximately. I'm gonna do body scrub. तो स्क्रब में भी सेम सीन है. आई ऑलरेडी हैव माई प्रीवियस जार जो खत्म होने आया ही है. ओके, मैंने बहुत ज़्यादा यूज कर लिया पुराने वाले को बिकॉज दिस इज लाइक अ होल डिफरेंट गेम. इंस्टेंटली टेकिंग मी टू अ वेरी लग्जरी कॉफी शॉप. तो सिंक ही है हमारा, नल और ड्रेन और सब. Dude, the scrub will make your skin feel moisturized just after the scrub too because it has coconut oil, so it's not at all drying. While the tiny particles of the very very good quality coffee go so in to take all the dirt out. I want to focus on the knees and the elbows because वहाँ पे ना ज़्यादा impurities फंस जाती है because of the fine lines. यार इतने अच्छे से तो मैं तभी भी नहीं नहाती हूँ जब भी आई एम नॉट डूइंग अ चैलेंज. लाइक डेली लाइफ में आई एम लाइक फट 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 जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. एंड टुडे इट ऑलमोस्ट टुक मी द सेम टाइम ओनली एज अ नॉर्मल बाथ बट स्टिल आई फील सो फ्रिकिंग फ्रेश बाय जस्ट वॉशिंग माई आर्म्स एंड लेग्स प्रॉपरली. बट स्क्रब एक्चुअली काफी जल्दी हो गया देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. सो आई एम गोना वॉश माय हेयर आल्सो नाउ ओनली व्हाइल द फेस मास्क इज स्टिल ड्राई यूजिंग सम बेकिंग सोडा एज यूजुअल, नथिंग न्यू.
feels so damn good. First final step left, locking this all in. So we're gonna do a serum on the face and a body butter on the body. So this is the M Cafe Naked and Raw Coffee Serum. So the reason why I want to try this is ki it is very rich in antioxidants, of course, but the major part is it gives a natural sun protection. Just 2 drops. The other key ingredients are white water lily and vitamin E, the king of all good skincare. So it's like a jam pack of a very very good portion for your skin. Final step, body butter. So this is Choco body butter. I am most excited to try it on my elbows and knees first up, because uneven skin tone bhagana is the major thing I've got this one for. And dude, I've been so negligent. It is actually like butter texture, very bouncy. And वो बटर के जैसे मेल्ट ही हो जाता है बॉडी के अंदर. एंड आई एम गोना शो यू अ लाइव थिंग. चेक आउट दिस पार्ट. यू कांट इवन सी इट. यू कांट इवन सी ऑन द फर्स्ट स्ट्रोक. दैट्स ऑल. यू आर डन. दिस लिटरली गॉट डन इन लेस देन 10 सेकंड्स. तो ड्राइनेस, स्कार, सब सब भगाने में हेल्प करता है. वी डन लाइक दैट. वी डन विद अ फुल फ्रिकिंग स्पा. दिस इज गिविंग मी लाइक अ पुश के जाओ कर लो बाकी का चैलेंज एकदम अच्छे तरीके से. बट आई एब्सोल्युटली एंजॉयड यूजिंग दिस किट, द बॉडी पॉलिशिंग किट बाय एम कैफीन. इफ यू वांट टू ट्राई इट, ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू मस्ट गिव इट अ शॉट यार, इट्स वेरी नाइस. नॉट सेइंग दिस आफ्टर ट्राइंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम. I've been using it for I think almost a year now. So abhi I think while my hair is drying now, I don't feel like styling it today. Yaar kya karu style karke. I'll just let them be. I will comb them after they dry. But until then, let's journal a bit. Thoda likh leti hu. Let's plan ke kya karna hai Diwali series ke liye. Because I think mostly we will be able to do our Dashara to Diwali daily Haley series. So let's plan for that. If you have any suggestions, wo comment kar dena. Like what videos you want to see in the series. अभी आई एम गोना डू अ बिट ऑफ योगा बिकॉज एवरी डे मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है. मॉम हैज अ सेशन कॉल्ड सीटेड योगा आसना. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं फैल पाऊँ. तो आज मैं वो वाला सेशन करूँगी. तो मुझे आई थिंक काफ़ी अच्छा लग सकता है. आई थिंक आई कुड वर्क प्लस. तो बस मैं फ़ोन पर देखते देखते ही करूँगी. And I actually feel so damn good. थोड़ा सा भी करने से इतना अच्छा लगता है. ऑफकोर्स फुल नहीं बता सकती बिकॉज फॉर आई जॉइन द प्रोग्राम. लेकिन आई हैड अ ब्लास्ट डूइंग इट. बस अभी थोड़ा सा और लैपटॉप पे काम करना है. एंड देन आई थिंक वी कैन हैव डिनर एंड देन वी कैन चिल. Now it's time for some meeting and look who we have. अरे तू दिखी नहीं रहा है. फिर मैं लंबा इंसान रहता ना. मिसल बन रही है. झंझन इट मिसल फॉर डिनर. सो दिस इज द कट्टा. ये रहे प्रॉप्स. डिनर टाइम. मम्मी मेरे को कंपनी देने अंदर आई है खाना खाने. वॉशिंग मशीन और इधर छोटे से जगह में दोनों आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं. फ्राइडे वाला डिनर भी लगना चाहिए. बट मिसल इज रियली रियली गुड. ही मेड आलू चाट आल्सो. All the worky parts of the day are done. Abhi hum chill karenge and we're going to start with playing sequence and then we'll do a movie night in the kitchen. हो गया देख के. मूवी तो नहीं देखी. आरो का एक एपिसोड देखी है. वी बोथ रियली लाइक द सीरीज कॉल्ड आरो. वी फिनिश्ड इट लॉन्ग बिफोर बट इट वाज फन. इट वाज फन. तो एवरीवन इज बैक इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ स्लीपिंग. आई एम स्लीपिंग अलोन इन द किचन. And I'm going to see you tomorrow morning. Good night. Good morning. I had such a good sleep. Itna main late uthi hu, itna main aaram se soyi hu ki I feel good. Mere ko pura refreshed feel ho raha hai, pata hai. And I think that was because ki main room mein nahi thi to electronics zara the nahi. Laptop maine sirf kaam ke liye rakha tha. Phone maine side pe rakh diya tha. And itni achhi gehri aur meethi neend aayi na ki I feel great. And the person to thank for a good sleep is this ACR. अभी मेरे बेड तो बाहर जा चुके हैं. हो रहे अपने beds and कुर्सी वापस लौटा दी गई है हमें. Because I know कि अगर मैंने bed यहाँ पे रखा ना तो मैं ऐसे गंदे से posture में ऐसे ऐसे लेटी रहूँगी and then I'll keep damaging my back. तो हमने बस मेरा कुर्सी ही लौटा दो. मेरे को आप ऑर्डर न्यू पिंक कुर्सी बाद में जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आएगा और अपन यूज़ करें. बस अभी तुम लेट उठे हैं तो चैलेंज का काफ़ी टाइम यूज़ अप हो गया है. तो आई थिंक मैं सीधा अब लंच ही करूँगी. तो अभी ब्रेकफास्ट का तो टाइम नहीं है. बट फ्रेशन अप होते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, लंच करते हैं एंड देन द चैलेंज विल बी ओवर. Oh.
अभी जस्ट टू लाइक गेट एनर्जाइज टू स्टार्ट द डे मॉम और मैं थोड़ा सा ज़ुम्बा टाइप एकदम एग्जैक्टली ज़ुम्बा नहीं पर बॉलीवुड डांस वर्कआउट जैसा करने वाले इधर एंड फिर हम खाएंगे खाना बहुत ज़्यादा भूख लगी है मेरे को इतने से टाइम में आई एम अ वेरी ऑकवर्ड डांसर बाय द वे इवन दो वो डांस क्लास वगैरह किए हैं मैं खुल के नहीं डांस कर पाती तो मुझे जजमेंट करना एक सॉन्ग करने से मेरे सब पूरा एनर्जी आ जाता है अभी तो अच्छा वाला खाना खाएंगे पेट भरेंगे इट्स सो मच फन थैंक्स ऑलवेज वेलकम आई कैन आल्सो मेक गोल चपाती बताऊंगी पहला रोटी आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस मैं एक और कोशिश करूंगी सी दिस वन इज बेटर ऑलमोस्ट गोल ही है ये पूरी है मेरी रोटी दिखाओ दिखाओ सबको दिखाओ ये हमने भी बनाई रोटी है मिक्स वेजिटेबल सब्जी बन रही है एंड यहाँ पर भी सब्जियाँ बन रही हैं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लंच के लिए तो माय लंच प्लेट इज रेडी बस इधर गरम गरम रोटी आना बाकी है हम ये सेटअप में खा रहे हैं बट आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि ये खाना खाने के लिए हम सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं बस लास्ट थिंग दैट वी डू Before we leave the kitchen, is have this amazing, amazing meal. Wow. Finally, वो घड़ी आ गई है जब हम लक्ष्मण रेखा पार करने वाले हैं I'll take you along only with me. Our challenge is complete. हो गए 24 घंटे किचन में Let me sit and आराम से let's talk about the experience. So I did not actually find it that difficult. Maybe क्योंकि सिर्फ 24 घंटे रहना था and I had planned कि मैं और कुछ भी शूट नहीं करूँगी not even for Instagram. I mainly just did clerical अपना डेस्कटॉप वाला काम जो छोटे मोटे मीटिंग्स थे कुमार के साथ वगैरह and that's it. तो वो थोड़ा chill vibe था इसलिए maybe I felt okay. बट नेक्स्ट टाइम के चैलेंज के लिए ना आप मेरे को टास्क लिस्ट देना इफ़ आई एम से लिविंग इन माई बालकनी फॉर 24 आवर्स को पार इज वॉज अमेजिंग इवन आई वॉन्ट डू दैट तो यू हैव टू सेट मी सम चैलेंजेस कि आपको बालकनी में बैठ के सपोज एक मेकअप लुक ट्राई करना है लाइक अ डिफिकल्ट वन क्योंकि वहाँ पर लाइट तो है नहीं मेरे पास आर्टिफिशियल तो जो होगा मेरे पास यही मेरी रिंग लाइट वगैरह होगी तो उससे कैसे मेकअप वगैरह करेंगे आई डोंट नो सो यू हैव टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर मी इन द नेक्स्ट चैलेंज अगर ये वीडियो में से कुछ भी पसंद आया तो एवरीथिंग विल बी लिंक्ड इन डिस्क्रिप्शन box below and I love the whole spa thing with the M caffeine range so that will also be linked niche I definitely think you should try it because I've already gone through like a whole set of mask and body scrub that I showed you so it is worth it for sure so usko check out karna link hai description mein if you enjoyed watching this video give it a thumbs up if you did not enjoy watching this video give it a thumbs down and I will see you in a brand new video very very soon until then goodbye